की सबसे बड़ी खबर आ रही है सिरसा से, जहां पर सिरसा के गांव नटार में पिछले 116 घंटे में सीवर में फंसे हुए संदीप कुमार को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले में सिरसा के तहसीलदार श्रीनिवास ने बताया, पिछले 5 दिनों से जिला प्रशासन ने राहत कार्य चल रहा है, जिसमें कि अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन अब प्रशासन ने रोबोटिक मशीन मंगवाई है। रोबोटिक मशीन पर करीब 5 कैमरे लगे हैं, जिससे सीवर लाइन पाइप में भेजा जाएगा, जिसके बाद संदीप कुमार को ढूंढना आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जन स्वास्थ्य विभाग ने इस रोबोटिक मशीन को केरल से मंगवाया है। इस रोबोटिक मशीन की कीमत करीब 45 लाख बताई जा रही है। जो रोबोटिक मशीन है ये केरल से मंगवाई है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अभी खरीदी है। मेन फंक्शन इसका ओहल ये ऑटोमेटिक साफ करेगी, और जो अब उसके अंदर जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, गाद है, उसके अंदर जो भी कोई चीज़ पड़ेगी उसके साथ साथ फ़ोटो भी लेंगे। लेकिन हम ट्रायल बेस पे ये कर रहे हैं कि इसका एक कैमरा खोल के, जो इसका कैमरा वाटर प्रूफ है, इसका एक कैमरा खोल कर लंबी वायर लेके और वो वायर इसके अंदर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर की जो नाली है उसकी हम पिक्चर ले पाएँ, उस पिक्चर से हमारे को कोई पता चले जाए। लेकिन ये एक ट्रायल बेस है, देखो ये कामयाब हो सकती है। क्या लगता है सर, कोई पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। कितने कैमरे लगे हैं सर मशीन के? इस मशीन के अंदर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 5 कैमरे हैं और उनमें से एक कैमरा खोल के उसको लंबी तार बना के उसको पूरी लाइन के अंदर डालेंगे और अंदर से कुछ पिक्चरें लेने की कोशिश करेंगे। ठीक। सिरसा से जितेंद्र पाल सिंह कलेर की रिपोर्ट, लाइव भारत।